खुदा ने आला, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे चर्चित फिल्म गदर 2, जिसका बेसब्री से फैंस लोग वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, गदर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक फैन मेड एंड कंसेप्चुअल ऑफिशियल ट्रेलर है। दोस्तों, जो दूसरा फैक्ट्स आपके सामने मैं लाया हूँ, इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मिथुन है, और मिथुन ने दो गाने जुबिन नौटियाल से गवाए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, इसमें जो जुबिन ने गाने गाए हैं, एक उदित नारायण का सॉन्ग जो कि उड़ जा काले कावा, और जो दूसरा सॉन्ग था वो मैं निकला गड्डी लेके। फिल्म के दोनों ही सॉन्ग 2001 में ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे, और अभी इसी सॉन्ग को रिमिक्स में लाकर अनिल शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। और गदर 2 फिल्म, जिसका लोग अपने आप में ही स्वागत कर रहे हैं, बात लगता है पूरा पाकिस्तान ही ना उखाड़ दें कहीं, मुझे तो ये लग रहा है, जिसका लोग सोच रहे हैं कि कब इस फिल्म की डेट आए और हम सिनेमा घरों में टिकट लेके इस फिल्म को देखने के लिए जाएं। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत वेट कर रहा हूँ कि ये फिल्म जल्द से जल्द सिनेमा घर में आए और मैं अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने जाऊँ। गदर 1 में तारा सिंह और सकीना की प्रेम की कहानी से जुड़ा वाक्या था, लेकिन इस बार गदर 2 में आपको देखने को मिलेगा सन्नी देओल का ऐसा रूप, ऐसा गदर विकराल रूप, जिसमें बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, और वो अपने बेटे को जो बड़ा हो चुका है, जिसे किरदार उत्कर्ष शर्मा ने निभाया है, तो वो पाकिस्तान जाके अपने बेटे को वापिस लेके आते हैं। इसमें एक बाप बेटे का रिलेशन दिखाया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि गदर 2 कितने करोड़ कमाने वाली है। कई लोगों के कमेंट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, गदर 2 2000 करोड़ कमाएगी, 500 करोड़ कमाएगी, 1000 करोड़ कमाएगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कम से कम ये 5000 करोड़ के आसपास का धंधा करेगी। 5000 करोड़ का कारोबार बहुत बड़ा कमर्शियल हिट, ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर हिट साबित होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब गदर 1 2001 में रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, इस फिल्म ने 265 करोड़ का कारोबार किया था, और ये फिल्म जो है उस टाइम का 265 करोड़ आज का लगभग 4-5000 करोड़ के बराबर होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों उस टाइम में 25 रुपये की टिकट हुआ करती थी, और आज तो फिर भी 500-500 रुपये की टिकट हो रही है। जितनी भी साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में हैं, पुष्पा 1, पुष्पा जो 2 आएगी, RRR, बाहुबली, इन सब के रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ेगी, और जनता तो बोल ही रही है कि हम एक बंदा भी 50 को लेके जाएगा सिनेमा घर में, रोक सको तो रोक के दिखा दो, गदर 2 हम देखेंगे और दिखाएंगे भी। सूत्रों के हवाले पता चला है कि इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर देने की मांग की गई है। लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वहां पर, और कह रहे हैं कि इस फिल्म को हम देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि 2001 में इस फिल्म ने हमारी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, आप समझ ही गए होंगे। तो इस बार उम्मीद है कि दोबारा सन्नी देओल इस बार पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके साथ ही साथ जो फिल्म की शूटिंग लोकेशन है, कहा जा रहा है कि गदर 2 में लखनऊ के अंदर मोस्टली शूटिंग्स हुई है। अगर आपने देखा होगा सन्नी देओल गदर 1 में कैसे हैंड पंप उखाड़ते हैं, इस बार तो पता नहीं वो क्या क्या उखाड़ेंगे। तो दोस्तों, लखनऊ में फिर से गदर 2 में उन्होंने इस बार बहुत कुछ उखाड़ा है, और ये फिल्म बवाल है, बवाल रे बाबा, बवाल मचा देगी फिल्म। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, गदर 2 जो है अपने आप में बहुत 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 बड़े लेवल का सुपर डुपर हिट फिल्म होने जा रही है। पाकिस्तान ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि भैया हमें इस फिल्म को नहीं चलाना है सिनेमा घरों में, रोक सको तो रोक लो, मैं यही कहूंगा, लेकिन इस फिल्म ने तो गर्दा ही उड़ा दी। क्या गदर 2 अपना ही रिकॉर्ड 265 करोड़ का तोड़ पाएगी? क्या ये फिल्म को प्रमोशन की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार हमें